एक साल पहले काम सीखे फोन फिक्स में, यस ठीक है। अभी आज जी अभी तक मैं तुम्हारे को सपोर्ट मिलता? बिल्कुल सर, मैं तो ये बिल्कुल ये बोलूँगा किसी भी स्टूडेंट को, आज मैं एक साल के बाद आया हूँ तो भी मेरे लिए यहाँ के दरवाजे खुले और अंदर तक आ चुका हूँ। और सर ने मुझे जैसा फर्स्ट डे आया था वैसे ही ट्रीट किया मेरे साथ, और बिल्कुल फिर से वापस एक्सप्लेन करे और एक्सप्लेन वैसे ही करे, और मेरा ये मोबाइल को भी रिपेयर करके दिया सर ने, बताया कि ऐसे ऐसे करने से होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम सीखने के बावजूद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो 3 महीने हो जाओ या 1 साल हो जाओ, आज भी वही मुझे रेस्पेक्ट मिली है और आज भी वही मेरे दरवाजे खुले हैं। सर के लिए बहुत बहुत थैंक, सागर सर के लिए बहुत बहुत थैंक बोलूँगा कि वो तो सर हमेशा सपोर्ट करे, और सपोर्ट के लिए हर एक को मिलेगा सपोर्ट, ये पक्की बात है, मैं यही बोलूँगा सर। बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ओके थैंक यू इमरान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी इमीडिएटली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट है इमरान, जो कि एक हैंडसेट लेकर आए हैं सैमसंग M30S। और ये जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, एक साल पहले हमारे पास काम सीख कर गए हैं और अभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। इनके पोस्ट आप फेसबुक पे हर रोज़ देखते ही रहते हैं हमारे ग्रुप्स में। और आज जो ये आए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ रैम चेंजिंग का प्रोसेस देखना था विदाउट CPU निकाले, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारे डबल डेकर के सेट्स आते हैं जो कि इनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसमें हम अगर चाहे तो ओनली रैम निकाल के भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ये लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं भी ये CPU वगैरह तो निकाल के कर लेते हैं डुअल डेकर वगैरह, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ रैम चेंजिंग का प्रोसेस देखना था कि एयर और हीट कितनी रखनी है, क्या सेफ्टी मेथड्स रखने हैं, तो ये सारी चीज़ इनको देखनी थी। ये वापस दोबारा आए हमारे पास और हमने इनको लाइव इनके ही हैंडसेट पे ओनली रैम चेंज करके बताया। सबसे पहले इनको जो रैम था वो माइक्रोन का रैम था, जिसको हम पहले इनको निकाल कर रिवॉल्व करके बताए कि कैसे रैम को लगाना है। उसके बाद इनको इसमें शॉर्टिंग मिली तो वापस से ये रैम डैमेज हो चुका था, तो वापस से हमने इसको निकाला। और दूसरा जो कि एक सैमसंग का सेट है उसमें से हमने वापस से दूसरा रैम लगाया। फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट रहते हैं या पहले से अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका हैंड स्किल आपको बनाना पड़ता है। ओनली रैम चेंज करने के लिए फ्रेंड्स आपका एक अच्छा हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको 2-3 महीने तक आपको जो काम कर रहे हैं आप रिवॉल्विंग कर रहे हैं, IC लगा रहे निकाल रहे इतना आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। उसके बाद उसका आपके हाथ के अंदर ऐसा फ्लो आ जाता है कि आप विदाउट CPU निकाल के भी रैम को ईजिली चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम पहले रिवॉल्विंग सिखाते हैं, उसके बाद व्हाइट पेस्टेड IC खोलना, उसके बाद में ब्लैक पेस्टेड IC खोलना, उसके बाद में डुअल डेकर CPU पे कराते हैं। और अगर आप फ्रेशर भी है, अगर आपके पास डुअल डेकर के कोई हैंडसेट साथ में है आपके, तो आप साथ में लेकर आइए, आपसे भी हम लाइव ऑन करवा कर ही भेजेंगे। और इस तरह से ओनली रैम चेंजिंग प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स है जो ट्रेनर्स है ये सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास, 15-15, 20-20 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है। इनका हैंड स्किल इतना बेटर है कि बहुत ईजिली ओनली रैम चेंज करके आपको लाइव बता सकते हैं। और ये जो प्रोसेस हम करते हैं फ्रेंड 10-15 मिनट के अंदर आपको ईजिली करके बता देते हैं, लेकिन आपको ये सब सीखने के लिए एक टाइम देना होगा, इसके पीछे मेहनत करनी होगी, टेक्निक को ट्रिक को समझना होगा, टूल्स अच्छे रखना होगा, तब कहीं जाके आप इस तरह का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा जो है 27 मई से है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें लिमिटेड सीटें होती हैं। हमारे यहाँ पर 1 महीना पहले आपको सीटें रिजर्व करानी होती हैं, तब जाके आपको यहाँ पे सीट मिलती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे आप देखे हैं कि जो टूल्स हम देते हैं पूरे ब्रांडेड टूल्स हैं। इंडिया में ऐसा आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में इतने ब्रांडेड टूल्स आपको वर्क करने के लिए दिया जाएगा। 20 दिन तक आपका सेटअप होगा, एक ही सेटअप पे आप बैठेंगे, माइक्रोस्कोप के साथ साथ T12 का एक आयरन है आपके दिया जाएगा, और DC मशीन और 6 पोर्ट चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट, एक सनसाइन का मल्टीमीटर और ब्रांडेड ट्विजर, ब्रांडेड पेस्ट, रिलाइफ का आपको दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस में यूज करेंगे और काम सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा टूल देंगे आपको तभी एक आपका अच्छा रिजल्ट आपका निकलेगा। दोस्तों, आप कभी भी
इंस्टीट्यूट पे कहीं पे भी काम सीखना चाहते हैं तो देखिए कहाँ पे ब्रांडेड टूल्स आपको दिए जा रहे हैं, कितना हैंड स्किल के लिए काम के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको टाइम दिया जाएगा 8 घंटे का हैंड स्किल का काम आपसे कराते हैं, 2 से 3 घंटा इंटरनल सर्किट की डायग्राम्स की नॉलेज आपको देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कल के दिन कोई भी नया हैंडसेट आपके पास आ जाए तो आप बहुत इजीली आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप प्रोसेस पूरा देखिए, कैसे हमने ग्लू को कट किया, उसके बाद रैम को हम एक साइड से उठा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि हम आपको लाइव क्लास में सिखाते हैं। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करके कोर्स का डिटेल ले लीजिए कि 20 दिन में आपको कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। दोस्तों इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमसी प्रोग्रामिंग का एक कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट कोर्स होता है जो कि आपको एक अच्छे मोबाइल टेक्नीशियन को सीखना बहुत ज़रूरी है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि डेड हैंडसेट को कहाँ से चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, अगर आपको ये पता नहीं है कि हार्डवेयर का फॉल्ट है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये काम करे तो कहाँ करे किस सेक्शन में काम करे, तो आप आज ही जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ। क्योंकि फ्रेंड जब मोबाइल डेड कंडीशन में आता है तो हार्डवेयर रिलेटेड भी फॉल्ट होता है, उसमें सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट होता है, ईएमसी प्रोग्रामिंग का भी फॉल्ट होता है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यही हम क्लास में सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आईसी लगाना निकालना नहीं फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको एक हैंडसेट को कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। दोस्तों 2 से 3 दिन में तो आप आईसी लगाना निकालना सीख जाते हैं बहुत इजीली। आप 4G हैंडसेट का सीपीयू लगा लेते हैं, पावर लगा लेते हैं, एमएमसी लगा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आईसी लगाने निकालने से ही काम नहीं होता है, साथ ही साथ आपको फॉल्ट फाइंडिंग भी आना चाहिए, सर्किट को समझना आना चाहिए, कॉम्पोनेंट की टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, लाइन ट्रेस करने आपको आना चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट आपको चेक करने आना चाहिए, सिग्नल कहाँ पर आ रहे हैं, सिग्नल लाइन्स कहाँ पर आ रही हैं, ये आपको चेक करने आना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों आपके पास नॉर्मल आईसीओ पे तो आप काम कर लेते हैं, लेकिन अगर पेस्टेड आईसी पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, पीसीबी के पैड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, आपका पीसीबी डैमेज हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपडेट होने की। दोस्तों बगैर सोचे के ये मत देखिए कि कितना दूर हमारा इंस्टीट्यूट पड़ता है। दोस्तों आप ये देखिए कि क्या आपको अच्छे से सीखने यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों पास का इंस्टीट्यूट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अगर आप कम फीस के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि एक बार आप अपडेट होते हैं तो ऐसा अपडेट हुई है कि जाने के बाद जो सेट वापस जा रहे थे वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहिए। आपके हैंडसेट आया हुआ काम दूसरे टेक्नीशियन को लेके जाके दे रहे हैं, उसका आधा इनकम उसको दे रहे हैं, तो फिर इससे बेटर है कि आप खुद सीख जाइए। यूट्यूब पर देखने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, आप यूट्यूब देख देख के काम करेंगे हर बार सेम प्रॉब्लम आपके पास नहीं आने वाली, लेकिन ये आप अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, एक हैंडसेट को कहाँ कहाँ से हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जितने भी सेक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, रिंगर, माइक, ऑडियो, स्पीकर, पावर, एसी के आउटपुट, सीपीयू के वर्किंग लाइंस क्या होती हैं, डीसी टू डीसी कैसे काम करता है, ग्राफिक कैसे काम करता है, वाईफाई ब्लूटूथ कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। लेटेस्ट हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है और सब कुछ आपको ए टू जेड बताया जाता है कि कैसे आपको डायग्राम को रीड करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। क्योंकि फ्रेंड हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट डायग्राम, ये दोनों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। और अगर आपको सॉल्यूशंस की वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, उस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएंगे। और हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आप, बहुत सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस हमने डाले हैं, ग्राफिक, नेटवर्क, फॉल्टी मोबाइल बनाना, या ईएमसी चेंजिंग प्रोसेस हमने बताया, ईएमसी प्रोग्रामिंग हमने बताया है, बहुत सारे वीडियोस हमने बताया है, नीचे जाके देखिए, उससे हो सकता है आपको बहुत कुछ हेल्प मिले। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ज़रूर कहीं ना कहीं ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरा टेक्नीशियन भाई हमारा ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को उसको भी मिल जाएगा। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और एक लाइक जरूर करें, इससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए। और नेक्स्ट बैच हमारा 27 मई से है, अगर आपको आना है फोनफिक्स हैदराबाद, आकर अपने आप को अपडेट करके एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन आप बना सकते हैं, साथ ही साथ DSO की भी हम ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं आपको, क्योंकि सिग्नल लाइन चेक करना भी आपको आनी चाहिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, थैंक यू वेरी मच।
ये देखिए सक्सेसफुल हमारा वर्क जॉब डन हो चुका है। N30 का फोन आया था, इसको रिस्टार्ट इशू में आया था प्रॉब्लम। तो इसका रैम माइक्रोन का था, फिर उसको रिप्लेस करके सैमसंग लगाया और सक्सेसफुली जॉब डन हो गया। ये देखिए यहाँ पर आप जो माइक्रोन की है वो भी है, और देखिए सक्सेसफुली ये काम हमारा हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए फोन पे ज्वाइन करो। ठीक है वासिम, हाँ बताओ ऐसा बताओ। चलो क्या देखे वसीम, इसमें क्या काम करते हुए देखे अभी? देखिए सर, ये फोन आया था, ये फोन मैं लेके आया था, इसके अंदर रिस्टार्ट इशू था। अच्छा, रिस्टार्ट इशू होने से यहाँ पर लाने के बाद मेरे को इसके अंदर खाली सिर्फ अपना रैम निकाले इसके अंदर, मोबाइल के अंदर। ओके, ओनली रैम निकाल के चेंज करें। यस सर। ठीक है, लाइव देखे आप? यस सर, बिल्कुल लाइव देखा है। मैं बैठा हूँ जब से आप किए, आप इसका इसका रैम निकाले और इसको रिपेयर करके लगाए, वो अनसक्सेसफुल हुआ। फिर अपने माइक्रोन का रिप्लेस करके सैमसंग का जैसा ओके, माइक्रोन का रैम पहले का जो था वो डैमेज निकला था। ठीक है, तो सैमसंग का A57 निकाल के डाल दिया अपन। ठीक है, पूरा ऑन हो गया। एक बार जरा अच्छा से ऑन करके बता देना भाई, जरा निकाल के। अच्छा वसीम, तुम एक साल पहले काम सीखे फोन फिक्स में, ठीक है, अभी अभी तक तुम्हारे को सपोर्ट मिलता? बिल्कुल सर, मैं तो ये बिल्कुल ये बोलूँगा किसी भी स्टूडेंट को, आज मैं एक साल के बाद आया हूँ तो भी मेरे लिए यहाँ के दरवाजे खुल रहे और अंदर तक आ चुका हूँ। और सर ने मुझे जैसा फर्स्ट डे आया था वैसे ही ट्रीट किया मेरे साथ, और बिल्कुल फिर से वापस एक्सप्लेन वैसे ही करे, और मेरा ये मोबाइल को भी रिपेयर करके दिया सर ने, बताया कि ऐसे ऐसे करने से होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम सीखने के बावजूद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो 3 महीने हो जाओ या 1 साल हो जाओ, आज भी वही मुझे रेस्पेक्ट मिली है और आज भी वही मैं दरवाजे खुले हैं। सर के लिए बहुत बहुत थैंक्स, सागर सर के लिए बहुत बहुत थैंक बोलूँगा कि वो सर हमेशा सपोर्ट करें, और सपोर्ट के लिए हर एक को मिलेगा सपोर्ट, ये पक्की बात है। मैं यही बोलूँगा सर, बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू इमरान।